हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम मानसिंह राठौर है और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एंजल वन ऐप के बारे में। दोस्तों एंजल वन में अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो इधर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों एंजल वन की तुलना अगर आप बाकी के डीमेट अकाउंट से करेंगे तो दोस्तों एंजल वन उधर से बेस्ट निकल के आएगा। अगर कोई एंजल वन की दोस्तों बराबरी करता भी है तो उसमें कहीं ना कहीं बात यह है कि वो बराबर तो आ जाएगा लेकिन ऑफ़र एंजल वन जितने नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों एंजल वन ऑफ़र देने के मामले में टॉप पर है। अगर अभी आप एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको ढेर सारे ऑफ़र मिल जाते हैं जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर एंजल वन के बारे में मोटा मोटा देखा जाए तो दोस्तों इसकी स्थापना 8 अगस्त 1996 में हुई थी। तो अगर देखा जाए तो यह कंपनी 26 साल पुरानी हो चुकी है, तो इस पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट किया जाता है क्योंकि यह लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है। दोस्तों पहले इसका नाम एंजल ब्रोकिंग होता था लेकिन अभी इसने अपने नाम में चेंज किया हुआ है और इसका नाम हो गया है एंजल वन, क्योंकि यह नंबर वन ब्रोकर बन चुका है। अगर दोस्तों इसको देखा जाए, आप प्ले स्टोर पर जाके देखें तो दोस्तों आप देखोगे कि इसके 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है, साथ ही इसको 4 लाख रिव्यू मिले हुए हैं, तो वहाँ पर आप इसके रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसमें यह है कि इसका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बिल्कुल ईजी है, ठीक है, ऑनलाइन है और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री है। वहीं पर अगर कोई डीमेट अकाउंट बेस्ट निकल के भी आता है तो दोस्तों उसमें अकाउंट ओपनिंग का ही चार्ज लग रहा होगा, ठीक है, और ऑफर देने की तो बात छोड़ो। और दोस्तों जब आप इसमें ट्रेड करने के लिए जाते हैं उस टाइम पर लगता है ब्रोकरेज चार्ज। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो डिलीवरी में आप जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे लाइफ टाइम में तो वहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज ब्रोकरेज के रूप में ए ब्रोकर आपसे नहीं लेगा, मतलब कि लाइफ टाइम के लिए डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस करना फ्री है। और वहीं पर देखा जाए दोस्तों इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी या फिर कमोडिटी, तो वहाँ पर इसमें 20 रुपये या फिर 0.05% देना होगा, तो इसमें से जो कम होगा वो लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 0.05% के हिसाब से आपका जो ब्रोकरेज चार्ज बनता है 5 रुपये या फिर 6 रुपये, तो दोस्तों आपसे 5 या फिर 6 रुपये लिए जाएंगे, ना कि 20 रुपये। वहीं पर अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो आपका ब्रोकरेज चार्ज बनता है 40 रुपये या फिर 50 रुपये, तो आपसे 40 रुपये या फिर 50 रुपये नहीं लिए जाएंगे, फिर आपसे लिए जाएंगे मात्र 20 रुपये। तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें ऑफ़र अच्छा है, ठीक है, 0.05% वाला, क्योंकि अगर आप कोई छोटा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी कम ब्रोकरेज देने पड़ेंगे। अदरवाइज कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं वहाँ पर सीधे 20 रुपये कटते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर आपके पास फंड की कमी है, आप कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास फंड नहीं है, तो आप इसकी मार्जिन ट्रेड फंडिंग का यूज कर सकते हैं, जहाँ पर 30 दिन के लिए आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा, ठीक है, तो 30 दिन तक आप मार्जिन ट्रेड फंडिंग का यूज फ्री में कर सकते हैं। अगर 30 दिन के बाद करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 0.049% इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है, पर डे है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये फैसिलिटी भी यहाँ पर मिल जाती है और इसमें आपको 4 गुना तक पैसा मिल जाता है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के अंदर। वहीं पर दोस्तों बात करें तो इसमें आपको रेफर एंड अर्न भी मिल जाता है, तो इसका रेफर एंड अर्न का ऑफर हमेशा अट्रैक्टिव रहता है, कभी यह 500 तो कभी 1000 रुपये देता है रेफर एंड अर्न। और दोस्तों इसके अंदर आपको सभी सेगमेंट में ऑर्डर प्लेस करने की मतलब की आज़ादी मिल जाती है, जैसे कि आप स्टॉक या फिर IPO फ्यूचर एंड ऑप्शन म्यूचुअल फंड कमोडिटी या फिर US स्टॉक में भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर देखा जाए आप NRI हैं, ठीक है, मतलब कि आप 182 दिन या फिर उससे ज़्यादा विदेश में रह चुके हैं तो आपको NRI घोषित कर दिया गया है, तब भी आप एंजल वन के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन NRI के लिए इसमें AMC चार्ज और ब्रोकरेज चार्ज कुछ अलग से लगते हैं, तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरे इस वीडियो को इंडियन ही देखेंगे तो दोस्तों उनके हिसाब से मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। अगर आप NRI हैं तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी कुछ जानकारी अभी मैं स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो दोस्तों वैसे तो आज मार्केट ऑफ है तो मैं आपको ट्रेड करने के बारे में पहले बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों अभी मैं इसका आपको यूजर इंटरफेस दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अभी ये इधर होम स्क्रीन है, तो दोस्तों होम स्क्रीन पर इसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है, जैसे कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो IPO म्यूचुअल फंड और गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है, रेफर एंड अर्न भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इसमें अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं या फिर न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पर एक लर्निंग सेंटर भी है, यहाँ से आप ट्रेडिंग के बारे में या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इधर ट्रेड पर
क्लिक करता हूँ दोस्तों, ट्रेडर के लिए इधर सीखने के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है भाई, पर अगर दोस्तों इसको बैक करके मैं इन्वेस्टर पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो दोस्तों आप इधर से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों वहीं पर इसमें वॉच लिस्ट है, तो जब आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये वॉच लिस्ट इसमें ऑटोमेटिक बनी हुई है, ठीक है, जो कि मुझे मिली है। अगर आप नई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इधर प्लस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो, या फिर आप इसका नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इसमें वॉच लिस्ट दो भी बन गई है। अगर दोस्तों आप किसी शेयर को वैसे ही सर्च करना चाहते हैं तो आप इधर ऊपर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं किसी भी शेयर को। फॉर एग्जाम्पल मैंने येस बैंक कर लिया, ठीक है, तो दोस्तों येस बैंक आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती हैं दोस्तों। उसके बाद ये पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पर आप पोर्टफोलियो को बना सकती हैं। ऑर्डर्स है, तो जब आप किसी भी ऑर्डर को प्लेस करेंगे तो दोस्तों वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है, कि इसमें अभी आपने पोजीशन बनाया हुआ है और कौन सा आपका ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, तो वो चीज़ें आपको इधर देखने के लिए मिलेंगी। और SIP और GGTV आपको इधर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट अकाउंट, तो इधर आपके अकाउंट के बारे में जानकारी मिल जाती है। और अगर आप किसी शेयर को प्लेज करना चाहते हैं, मतलब कि आप उसके अकॉर्डिंग पैसा लेना चाहते हैं, तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर मिलेगी। और मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, और यहाँ से आप इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसका कुछ इस तरीके से नीचे आपको कॉन्टैक्ट वगैरह करने के लिए कंपनी की जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों अभी मैंने एंजल वन के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी दे दी है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो दोस्तों आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको एंजल वन में डीमैट अकाउंट बनाना है तो लिंक दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट बनाते हैं और आपको अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों हमारे द्वारा आपको हेल्प भी कर दी जाती है, क्योंकि कंपनी का हमने पार्टनर डैशबोर्ड लिया हुआ है, तो कंपनी ने हमें अथॉरिटी दी है कि अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसको अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं या फिर उसको समझा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमारी कुछ टीम के लोग हैं या फिर उधर मैं भी आपको मिल जाता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहाँ से मुझसे भी हेल्प ले सकती हैं अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।